शिवपुरी में दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा युवक। सुनवाई नहीं होने पर भड़का, सुनाई खरी खोटी। शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जन सुनवाई में आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां एक युवती अपनी दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर शिवपुरी कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन समय समाप्त हो जाने के कारण दिव्यांग पत्नी और पति कलेक्टर को अपनी फरियाद नहीं सुना सके। इससे परेशान होकर युवक भड़क गया और उसने मौके पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कर्मचारियों को खरी खोटी सुना दी। जानकारी के अनुसार गरीबदास प्रजापति ग्राम दुमगना तहसील करैरा जिला शिवपुरी मंगलवार को अपनी दिव्यांग पत्नी रामवती प्रजापति को गोद में उठाकर शिवपुरी कलेक्टर की जन सुनवाई में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की मांग करने पहुंचा था, लेकिन व्हीलचेयर नहीं होने से वह कलेक्ट्रेट परिसर में काफ़ी समय तक परेशान होता रहा। फिर अंत में पत्नी को गोद में उठाकर कलेक्टर की जन सुनवाई में जा पहुँचा, लेकिन तब तक जन सुनवाई का समय खत्म हो गया था। इतनी परेशानी उठाने के बाद भी गरीबदास और उसकी दिव्यांग पत्नी रामवती प्रजापति अपनी फरियाद कलेक्टर तक नहीं पहुंचा सके। इससे परेशान गरीबदास भड़क गया और उसके मौके पर ही कर्मचारियों को खरी खोटी सुना दी। वहीं दिव्यांग महिला ने बताया कि पिछले 2 साल से दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज कलेक्टर की जन सुनवाई में भी उन्हें निराशा हाथ लगी। आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? रामवती प्रजापति। कहाँ की रहने वाली हो आप? दुमगना। क्या समस्या लेके आई हो यहाँ पे? क्या समस्या आ रही है आपको? राशि है, पंजीयन की राशि। आप बताओ क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास? जी आवेदन लगा दिया है कलेक्टर साहब। कहीं का आवेदन है आपका? जो है पंजीयन। आज आपकी कलेक्टर साहब से बात हो पाई क्या? नहीं हो पाई। क्या कारण था, क्यों नहीं हो पाई? अब वहाँ तक पहुँचे ही नहीं पाए। लेट हो गई, 1:30 बजे पहुँच। नहीं नहीं, वो समय पे आ गई थी। समय पे तो आ गए थे आप, वहाँ चपरासी लोग जाने नहीं दे रहे थे। आगे के वहाँ से उठा के रख दो, वहाँ यहाँ से रख दो, वहाँ हम कहाँ से आते, वहाँ से तक न उनके पास। अच्छा, आप चल नहीं पाते हो? तो चल पाते तो फिर पहले से ना जाते। व्हील चेयर नहीं थी इसलिए नहीं पहुँच पाई वहाँ तक। हाँ, ऐसा नहीं होता, 2 साल। कितने चक्कर लगा लिया आपने? क्या बार हो चुके हैं? एक बार नहीं, क्या बार हो चुके? 3 साल हो जा रहे हैं। मना कर दो क्या? मना कर दो ना, हम आए हैं ना बेकार है। फिर आपकी उम्र कितनी है? कोई सुनवाई नहीं है हमारी। उम्र कितनी है? उम्र क्या होगी आपकी? 30 साल की। 30 नहीं होगी यार, ज्यादा है। आपका गरीबदास प्रजापति कहाँ के आए हो? करेरा से। प्रॉपर करेरा के हो गया? हाँ, प्रॉपर करेरा। क्या समस्या लेके आए हो? क्या समस्या लेके आए हो? समस्या क्या? समस्या नहीं हो रही सर। क्या हो गया इनको? देखो ना आपको तो गाड़ी नहीं बता दो फिर क्या मामला है? राशि नहीं हमारी, गाय की राशि मिलना है। पंजीयन करवाया था मैंने 2 साल पहले, कराया था, अभी तक नहीं मिली। 2 साल हो गई ना डबे तक भी। तो कब से चक्कर लगा रहे हो? चक्कर कम से कम 30 मिनट। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ आपकी जन सुनवाई में? कोई आवेदन क्या लिया? आवेदन लाए। क्या कहा आपसे? क्या कहा? कुछ नहीं कह रहे थे, जाओ गई। कलेक्टर साहब तक जा पाए कि नहीं पहुंच पाए? हाँ पहुंच पाए। कलेक्टर साहब तक पहुंच जाते तो काम ही हो जाता। क्यों नहीं पहुंचा? पहुंच पाए? क्या नहीं हो जाएगा काम? ये कौन है आपकी पत्नी है मेरी? क्या नाम इनका? रामवती प्रजापति। आवाज देख लो ना। अरे और क्यों? और कब शादी की थी आपने? 2 साल पहले। 2 साल पहले तो विवाह प्रोत्साहन राशि मिलना है आपको। हाँ है ना? कितने रुपए जो आप दे रहे हो देते हो ना?